क्यों हमारी जमीन उसके बाप की है, क्या हमारी जमीने और जमीने हमारे पूर्वजों ने काटी है, क्या अन्याय हमारे साथ हो रहा है? ले लेंगे, वाजिब चढ़ जाएंगे। दर्द में है, 2 साल से दर्द को देख रहे हैं, दर्द को पी रहे हैं, दर्द के साथ सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल भड़का रहे हैं। अगर अपने अधिकार की बात करना भड़काना है तो हाँ हम लोग भड़का रहे हैं। गाली गुलज हमने आज तक नहीं दिया है। गाली एक अलग विषय है। हमने ये कहा है बदला, रिवेंज का बात किया और कहेंगे कैसे ने रिवेंज, किसने ने रिवेंज लिया। हम आपको बता रहे हैं कल शायद कहाँ बैठक हुआ है, गुप्त बैठक हुआ है 2024 का लोकसभा के लिए, और उसमें पहला चर्चा हुआ है कि जरा मतों को कंट्रोल किया जाए। श्रम मंत्री, हमने कहा था श्रम मंत्री को शर्म नहीं लगता है, बाकायदा हमने शुरू में कहा था, बढ़िया बोले आज माननीय श्रम मंत्री को जरा भी शर्म नहीं लगता है, ये स्थिति हमारे राज्य की। सही बात है, अच्छी बात है। हमारे कारण अगर इतने लोग रोजी रोजगार चल रहे हमें ट्रोल करने से, तो हम फिर भी कहेंगे अच्छी बात है करे, कम से कम हमें ट्रोल करने से उन्हें अगर पैसा मिलता है तो अच्छी बात है। हमने ये कहा यदि अब आंदोलन हुआ और शहीद शक्तिनाथ महतो के तर्ज पर अगर कंपनी के माध्यम से कोई मारा जाता है, हमने ये पहले कहा शुरू से, इसलिए बार बार कहते आधा भाषण का मत सुनिए, पूरा सुनिए। हमने कहा यदि ऐसी घटना कोयलांचल, कोल्हान, छोटा नागपुर, पलामू, संथाल प्रकरण कहीं होती है, जहां यदि कंपनी के दलाल हमारे लोगों को मारते हैं, तो हमारे लोगों को भी उसका बदला लेना चाहिए। अब चुप रहने का बारी नहीं है। अगर कोई महिला इस तरह का करते हैं, गला चीर के मार देते हैं, तो उसका जिम्मेवारी जरा महतो लेंगे? हाँ ले लेंगे, वाजिब चढ़ जाएंगे। दर्द में है, 2 साल से दर्द को देख रहे हैं, दर्द को पी रहे हैं, दर्द के साथ सो रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं आंदोलन के नाम पर। हाँ बिल्कुल भड़का रहे हैं। अगर अपने अधिकार की बात करना भड़काना है तो हाँ हम लोग भड़का रहे हैं। क्यों हमारी जमीन उसके बाप की है, क्या हमारी जमीने और जमीने हमारे पूर्वजों ने काटी है, क्या अन्याय हमारे साथ हो रहा है? इसलिए हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। हमने ये कहा हमारे लोग अब मारेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए अब लिखने का तो जीव, देखिए अब आप लोग यहाँ बुद्ध सही नहीं हो पाए थे, नानक सही नहीं हो पाए थे, यहाँ अम्बेडकर को लोगों ने कटघरे में रखा, यहाँ सुकरात को लोगों को कटघरे में रखा, तो हम तो साधारण, हमें क्या बोला गया कि देखिए हमारा नियोजन का मामला है, हमारी जमीन गई है, हम समर्थन देने पहुंचे थे। बाकी क्या है नहीं है उतनी जानकारी हमारे पास थी नहीं, प्लस हम मुस्लिम भवन से वहाँ आए थे। हम एक दिन में 4 गो आंदोलन बैठते हैं। गाली गुलज हमने आज तक नहीं दिया है। गाली एक अलग विषय है। हमने ये कहा है बदला, रिवेंज का बात किया और कहेंगे कैसे ने रिवेंज, किसने ने रिवेंज लिया भारत को। देखिए एक बात है, कोई भी भारत की आजादी भी मांगने से नहीं मिली है, रक्त बहाना पड़ा है। झारखंड राज्य रक्त बहाने के लिए मिला है, तो हो सके इन कंपनियों से हमें रक्त बहाना पड़ेगा। हम अपने कहे हुए स्टेटमेंट में खड़ा है, हम गाली नहीं प्रयोग किए हैं, हम एग्रेसिव प्रयोग किए हैं और वो स्वाभाविक है आज के दौर में। हमने तो बकायदा ये कहा कि हम दो हमारे 4, कोई गलत नहीं कहा, हम स्टेटमेंट में खड़े हैं उस पर। आपके पास स्थान नीति परिभाषित नहीं है, आपके पास नियोजन नीति परिभाषित नहीं है, तो आप कैसे 95 को देंगे? मुंह से बोलने से 95 नहीं हो, ठीक है 95 देंगे अच्छी बात है। 26 गो फिजिकल ट्रेनिंग की बहाली थी ईस्ट सिंहभूम में, 23 गो ले गए यूपी बिहार वाले, तो 26 का 23, अगर 23 को ऊपर में रखा जाए, 26 को नीचे रखा जाए, शायद 100 से गुना किया जाए, तो कितना परसेंटेज होगा बाहर वालों का निकाल लीजिए। हम मुख्यमंत्री के प्रति संवेदना रखते हैं, मुझे भी अनुभव हो रहा है कि मुख्यमंत्री घिर चुके हैं और ऐसे लोगों को अपनी जमात में शामिल कर लिए हैं जिनको इस राज्य के सुख सुविधा से वास्ता नहीं है। तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपना जो इर्द गिर्द का वातावरण है, उस वातावरण में झारखंडियत को स्थान देना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इनसे संभावना नहीं। श्रम मंत्री, हमने कहा था श्रम मंत्री को शर्म नहीं लगता है, बाकायदा हमने शुरू में कहा था, बढ़िया बोले आज माननीय श्रम मंत्री को जरा भी शर्म नहीं लगता है, ये स्थिति हमारे राज्य की। सही बात है, अशोभनीय अशोभनीय कृत्य देखने को मिला, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बालिकाएं, और ऐसा नानृत्य, अश्लीलता का नृत्य। अरे माननीय मंत्री जी को अगर आनंद लगता है ऐसे नृत्यों से, तो उनका प्राइवेट है, उनके बहुत सारे फार्म हाउस है, उनके बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह है, जाए अपने जीवन का आनंद ले, किसने मना किया है? लेकिन हमारी युवा पीढ़ी के साथ, उसके उनके साथ अगर इस प्रकार की अश्लीलता को प्रकट करेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस बात की हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो माननीय मंत्री हैं अपने आप को खंगाले कि आप क्या भूल किए हैं, आप राज्य को क्या दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कल शायद कहाँ बैठक हुआ है, गुप्त बैठक हुआ है 2024 का लोकसभा के लिए, और उसमें पहला चर्चा हुआ है कि जरा मतों को कंट्रोल किया जाए। राजनीतिक दल कुछ माफिया से जुड़े तत्व, ये बात कानों तक जब कोयला पे बोला गया है, वैसे ऐसे लोगों की हत्या हुई है, जैसे आप सुनील महतो का बात, बिल्कुल बिल्कुल, और मोदीनाथ महतो का बात करें, निर्मल महतो की बात, कोयलांचल में भी देख लीजिएगा, और कोयलांचल में भी और भी, हाँ बहुत सारे नेता हैं, तो आप पर भी जान का खतरा है, संभावना है, चर्चाएं हैं लगातार। आज हजारीबाग सेंट्रल जेल से हमारे किसी साथी को फोन आया, तभी बकायदा की जेल में भी चर्चा है। छत्तीसगढ़ में एक मैंने साथी था आपके धनबाद का, जेल में वहाँ चर्चाएं हुई हैं, स्वाभाविक है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं।